खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज दोपहर 12:30 बजे होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, आला अधिकारियों को मौजूद रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। दिल्ली में हिंसा के दौरान अब तक 18 लोगों की मौत की खबर है और करीब 200 लोगों के घायल होने की सूचना। वहीं घायलों में 56 से ज्यादा पुलिस के जवान हैं। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर और चांदबाग के इलाकों में लगातार हिंसा हुई। वहीं 4 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली और यूपी में धारा 144 लागू की गई। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए देर रात दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में माइक से उपद्रवियों को सख्त संदेश दिए, एक तरीके से अनाउंसमेंट की। हिंसा भड़काने वालों को देखते ही गोली मारने की चेतावनी दे दी गई। पुलिस ने देर शाम जाफराबाद और भोजपुर में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। वहीं अमित शाह ने भी हालातों को देखते हुए कल 3 बार हाई लेवल मीटिंग ली। मीटिंग में उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए। वहीं दिल्ली में हिंसा को देखते हुए यूपी के नोएडा, गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू की गई है। सहारनपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके यानी कि उत्तर पूर्वी इलाके हैं, वहां शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एक्शन ले रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई शांति भंग करने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता संदीप भाटी का। संदीप, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। संदीप, फिलहाल 12:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है सुनवाई के लिए। अभी क्या स्थिति, चूंकि कोर्ट में मामला अब चला गया है, कोर्ट में सुनवाई कल भी हमने देखा देर रात इस पर सुनवाई हुई और जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए व्यवस्थाओं को लेकर वो तो सामने आया ही, लेकिन हिंसा को लेकर कहाँ चूक हुई, कहाँ पर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, इसको लेकर भी जाहिर है कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे होंगे। पूरे हालातों के बारे में बताएं। जी मोहन, जिस तरह से लगातार जो हाईकोर्ट है इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहा है। हमने देखा कि रात को भी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई एक याचिका पर और उसमें दिशा निर्देश तय किए गए कि जो एम्बुलेंस है उनको जगह दी जाए, साथ ही जो घायल लोग हैं उन्हें सरकारी अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में भर्ती करा जाए ताकि जो उनका उपचार है वो सही से हो सके। साथ ही एक रिपोर्ट मांगी थी दिल्ली पुलिस से कि एक जो रिपोर्ट है वो 2 बजे तक हाईकोर्ट के सामने सौंपे। लेकिन एक और जो याचिका आज लगी है उस पर करीब 12:30 बजे सुनवाई होनी है। ये जो याचिका है एक सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष है, उनकी तरफ से लगाई गई है। इस याचिका में कहा गया है कि तमाम जो इसके पीछे जिस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही जो घायल है उनका उपचार सही से होना चाहिए। ये जो तमाम चीज़ें हैं इन पर याचिका लगाई। उनका कहना है कि जो लोग इस पूरे हिंसा में घायल हुए हैं उनके एक उनके खिलाफ जो लोग हैं उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही जो मरने वाले हैं उनको जो सरकार की तरफ से जो मदद है आर्थिक मदद प्रोवाइड करा दी जानी चाहिए। तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं ये इस याचिका में लगाई गई हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने इस जो सुनवाई होनी है 12:30 बजे उसमें तमाम जो लीडर्स हैं उनको उपस्थित रहने की बात की, साथ ही दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे कहा है कि वो भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में पहुँचे, क्योंकि पूरा मामला जो है दिल्ली पुलिस से सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं क्या दिल्ली पुलिस की चूक रही, ये एक बड़ा सवाल होता है। वहीं आपको बता दूँ लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। अर्धसैनिक बल जो है, तमाम जो लोग इस डिप्लॉयमेंट की गई है, साथ ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM उनकी तरफ से एक ट्वीट करके गृहमंत्री से कहा गया है कि जो इलाके हैं उसमें अर्धसैनिक बल या जवानों की तैनाती कर देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो नाकाम होती इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। और एक खास बात यह है, चूंकि हालात ना खराब हो, हिंसा और ज्यादा ना फैले, अराजक स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की होती है, दिल्ली पुलिस की होती है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर भी दिल्ली पुलिस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। हाईकोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान एक तरह से नोटिस दिल्ली पुलिस को दिया, ये कहते हुए कि आप जितनी भी सुनवाई होगी दिल्ली हिंसा से जुड़े हुए मामलों पर आप उसमें उपस्थित हमेशा रहें, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पक्ष जानना अपने आप में बेहद ज़रूरी है कि उन्होंने शुरुआती तौर पर हालात से निपटने के लिए क्या किया। तो आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है अब दिल्ली पुलिस के सामने भी, जिस तरह की स्थितियाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पैदा हुई और अभी जो हालात हैं उसको लेकर भी बताने के लिए?
जी सिद्ध, साफ तौर पर लगातार जिस तरह से जो तमाम जो नेता हैं विपक्ष पार्टियों के, हमेशा से पुलिस पर सवाल उठाते रहे कि आखिरकार पुलिस ने जो कार्रवाई कल दोपहर शाम से करनी स्टार्ट की थी वो पहले क्यों नहीं की, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 दिन इस पूरे हिंसा को बीत चुके हैं। लगातार जो हिंसा है अलग अलग इलाकों में वो रही, ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस का कहाँ फेलियर रहा जो इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, लगभग 200 से 250 लोग इस पूरी हिंसा में अभी तक घायल बताए जा रहे हैं, लगातार जो घायलों का उपचार किया जा रहा है, ऐसे में कहाँ चूक रही कि जिस वजह से ये जो पूरी हिंसा बढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया लगातार जो इस पूरी हिंसा की अगर शुरुआती तौर की बात कर ली जाए, जिस तरह से जाफराबाद में महिलाएं बैठती हैं और उसके बाद कपिल मिश्रा की तरफ से एक बयान जारी करके कहा जाता है कि तमाम जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि दूसरा शाहीन बाग बने वो मेरे साथ शाम 4 बजे जाफराबाद पहुंचे, मौजपुर चौक पहुंचे, और उसी के बाद से ही पत्थरबाजी की जो घटना है वो सामने आने लगती है। इससे कहीं ना कहीं जो याचिका है इसमें कपिल मिश्रा के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं कि जो कपिल मिश्रा ने जिस तरह का ये जो बयान दिया है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी जो परवेश वर्मा है उनके ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम जो ऐसे लीडर हैं चाहे अनुराग ठाकुर हो जिन्होंने गोली मारने का बयान दिया हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की जो बातें हैं इस याचिका में लगाई गई हैं। देखने वाली बात यही है कि जिस तरह से हाईकोर्ट पूरे इस पूरे मामले को लेकर सचेत होता नजर आ रहा है, दिल्ली पुलिस को तलब किया, दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में बुलाया है, साथ ही देखने वाली बात यह हो कि तमाम जो नेता हैं जिनके ऊपर इस तरह के बयान होने का आरोप है उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा लगातार जिस तरह से कल बीजेपी की तरफ से जो बयान एक जारी करके कहा गया कि तमाम जो ऐसे नेता हैं जो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गौतम गंभीर ने कहा था